उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को अपने आवास पर इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज के अफसरों को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि हमें रियर व्यू मिरर में देखना चाहिए, इसमें देखकर उन लोगों को नोटिस करना चाहिए जो देश के संस्थानों को कलंकित और नष्ट कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के संबोधन को राहुल गांधी के बयान पर तंज माना जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने रविवार को अमेरिका में कहा था कि पीएम मोदी देश की गाड़ी को रियर व्यू मिरर देखकर चला रहे हैं, वे सिर्फ पीछे की तरफ देख रहे हैं और फिर हैरान हो रहे हैं कि हादसे पर हादसे क्यों हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने अफसरों से कहा कि उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखने के बाद आप जान पाएंगे कि किन लोगों को देश के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। आप रियर व्यू मिरर में इसलिए देखते हैं ताकि एक्सीडेंट करने पर उतारू लोगों से बच पाएं। धनखड़ बोले, कुछ भ्रमित लोग देश की क्षमता और उपलब्धियों के बारे में कंफ्यूज रहते हैं, वे इस पर गर्व नहीं करते। देशों विदेश में बैठे कुछ लोग हमें जांचने की कोशिश कर रहे थे, हम उन्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकते। धनखड़ ने कहा कि भारत 2047 तक दुनिया का नंबर वन देश बन जाएगा। उन्होंने अफसरों से कहा, आप लोग इतिहास का बोझ ना उठाएं, ये आपके विकास में बाधा बनेगा। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।